अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मेरी ज़मीन की टीम पहुंच रही है कलर कहार, जहां नेशनल ओलिव फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट ओलिव फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान यूसुफ शाह साहब का, और उनके साथ साथ बहुत मशकूर हैं एग्री बाइट CEO मुरीद अब्बास बुखारी, एग्री बाइट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद इफ्तिखार हुसैन और ऑर्गेनाइजर हैदर अवान साहब का, कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और इस फेस्टिवल में शामिल होने की दावत दी। जी, अब हम उस कॉर्नर में मौजूद हैं, उस स्टॉल में मौजूद हैं, जिधर अब हम देखेंगे मुख्तलिफ मशीनरी को, वो मशीनरी जो कि मॉडर्न काश्तकारी में यूज़ होती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अब हमें अपनी कंपनी का तारुफ कराइए। YMC जी सादकाबाद से आए हैं, YMC सादकाबाद। ठीक हो गया। आपकी कौन कौन सी, मुझे बेशुमार इधर मशीनरी नज़र आ रही है। ये ज़मीन की PhD चेक करने के लिए मीटर है। ठीक हो गया। ये शाखों को बांधने के लिए होती है। अच्छा जी, ये ठीक हो गया, ये आपने कैप्चर कर लिया। हाँ जी, ये कटर होता है, तकरीबन अंगूठे जितनी शाख जो आराम से काट सकती है। ठीक हो गया। ठीक है सर, ये कलम करने के लिए है, ये भी कैंची है, ये भी कलम करने के लिए, ये शाख को काटने के लिए। ठीक है सर, ये आ रही है, ये फोल्डिंग आ रही है जितनी मर्जी, और लाइट वेट है, ये आ रही है बिल्कुल लाइट वेट, 120 ग्राम वज़न इसका टोटल। ठीक है, ये कैंचा है सर, ये वाड़ वगैरह काटने के लिए छोटा बड़ा हो सकता है। ये तो ये जो सारा सामान होता है, ये आपका पाकिस्तान में ही बनता है या बाहर से आता है? बाहर से चाइना का है सर। अच्छा, अच्छा। करते हैं खुद कंपनी हमारी, अच्छा, YMC खुद करती है। ये कैंची है सर, ये छोटी बड़ी हो सकती है, ये तकरीबन 1-1.5 इंच आराम से काट सकती है, और दरख्त को पता भी नहीं लगता। जदीद ये मुझे एक बहुत बड़ी सारी मशीन नज़र आ रही है, इसका क्या काम है? ये सर जैतून के लिए है, ये चेंसा है, और इसके आगे ये आरा भी लग जाता है, वो दरख्त काटने के लिए, शाखें काटने के लिए। अच्छा, ये बेसिकली है ये जैतून के लिए, जैतून की काश्तकारी के लिए। ठीक है सर, और ये पौधे लगाने के लिए। अच्छा, हाँ, इसमें होते हैं 3। सही, हाँ, सही। आम वगैरह के, किसी चीज़ के पौधे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये सर कलम, ये छोटे पौधे निकालने के लिए। ठीक हो गया। ये हमारी नोकल है पाकिस्तान की, ये मेड इन पाकिस्तान। हाँ, मेड इन पाकिस्तान। ये सर पनीरी लगाने के लिए है, बीज भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, ये आ रहा है छोटा फुट का है, या हम यूज़ करने के लिए। सही सही। तो ये इलेक्ट्रिक है चार्जिंग। सही। तो क्या इनके रेट भी इसी तरह सस्ते होंगे, आम के किसान को चीज़ के मदद करने के लायक होंगे, कि इसके रेट ज़्यादा होंगे? नहीं, चीज़ के हिसाब से सर बिल्कुल मुनासिब रेट है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है YMC वालों की। और ये मच्छरों वाली है, ये जूस वाली है, हैंड वाली, ये जूस किसी भी चीज़ का, नार का, किन्नू का, नींबू का, किसी भी चीज़ का जूस निकल सकता है सर। जी नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ ड्रिप इरिगेशन के स्टॉल के ऊपर। इधर सर मुझे बताएंगे कि किस तरह ये न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुनफरिद तरीक़ों से नए इकदाम लेके आ रहे हैं, जिनकी वजह से किसानों को और आने वाली तमाम तर लोगों को फ़ायदे होंगे। जी सर। सर पहले पानी, एक तो हमारे पाकिस्तान मुल्क में उसकी पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो उसको यानी कि गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी है 60% और 40%, यानी 40% ज़िम्मेदार देगा, बाकी 60% गवर्नमेंट देगी। काफ़ी निज़ाम चल रहा है 8-10 साल से। अब हमने ये लोकल, पहले इंपोर्ट आता था टोटली ना, अब हम लोकल में डिज़ाइन कर रहे हैं। ये क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, जैसे ये फ्लश वाला, ये चीज़ें, और ये चीज़ें हो गई, ये छोटे पार्ट्स हो गए, ये पहले सारे इंपोर्टेड आते थे, लोकल नहीं बनता था। अब 8-10 साल से हम ये लोकल डिज़ाइन कर रहे हैं। ये मेड इन पाकिस्तान है, सबका सब, सबका सब मेड इन पाकिस्तान है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, और लोगों की डिमांड भी है, डिमांड हो रही है इंशाल्लाह। थैंक यू। और सर वो उधर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनका कुछ बता सकते हैं ये क्या है, इनका क्या इस्तेमाल है और किधर यूज़ होती हैं? ये फोकर है, ये जैसे आप टनल फार्मिंग में वो लगाते हैं, कलमे लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उसको पानी देने के लिए ये हैंग किया जाता है, और उसके बाद ये पानी उसे देते हैं, और कम पानी पे, कम टाइम पे, कम खर्चे पे सारे पौधों को यानी कि पानी दिया जा सकता है। एफिशिएंट मेथड, एफिशिएंट है जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म से किसान भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
वो ये है कि लोकल चीज़ों पे आए इम्पोर्टेड, एक तो चीज़ें बहुत महंगी मिलती नहीं है, हमारा पाकिस्तान कोई कम नहीं है कि हमारा क्वालिटी ना दे सके, तो यही मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो ना आके लोकल चीज़ की डिमांड करें और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा तरक्की करेगा सर। जी नाज़रीन, अभी आपने सर को सुना कि वो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पीएम भी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और आप लोग सबको चाहिए कि लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। जी सर, अपना विजन बताइए और ये सारा इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह, मेरा नाम डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर हूँ एग्रीबाइट पाकिस्तान में। और हम जो मिशन लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि हम अपनी क्रॉप्स को, जो हमारी इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं, उनको वर्ल्ड वाइड मार्केट में लेके जाएं विद द एक्रेडिटेशन, विद द डोजियर्स एंड विद देयर एनालिसिस। और हम अपने इस क्रॉप्स को वैल्यू एडिशन के साथ और पैकिंग के साथ जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड हो, क्योंकि हमारी क्रॉप्स जो हैं जितनी भी हैं वो किसी तरह भी वर्ल्ड मार्केट के साथ या जिस दूसरी जगहों पर पैदा होती हैं उनसे अच्छी हैं। ऑर्गेनिक फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का हमारा मिशन है और हमने अपनी इकॉनमी को रूट लेवल से ऊपर लेके जाना है। छोटे फार्मर्स को हम सपोर्ट करेंगे और अपनी जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी, उनको हम सेल करेंगे मार्केट्स में, लोकल में, इंटरनेशनल में, और जितना हमारा फूड स्टफ ज़ाया होता है उसको हम कर्टेल करेंगे। सर, आप मेरी ज़मीन के प्लेटफॉर्म से किसान भाइयों के लिए कोई अपना पैगाम प्लीज। किसान भाइयों के लिए मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वो कन्वेंशनल क्रॉप से हट के, और छोटे किसान जो बड़ी क्रॉप्स के लिए मिडल मैन के जो है ना वो ज़ेर एताब हैं, वो कैश क्रॉप्स पे आएँ, वैल्यू एडिशन क्रॉप्स पे आएँ। हम उनको सिस्टम बना के देंगे, हम उनके उनके स्पॉट्स पे छोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगा के देंगे। डेयरी फार्मिंग के लिए हम उनके लिए वैल्यू एडिशन जो है ना वो पैकिंग्स की मशीन्स उनको लगा के देंगे, ताकि वो अपनी जगह पे बैठ के अपनी अच्छी ख़ानदान के साथ बैठ के अपनी इज्जत की रोटी कमा सकें और उनको उनकी मेहनत का पूरा सिला मिले। हर किस्म के जो इरीगेशन सिस्टम्स हैं ना, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, उसमें एडवांस आ जाते हैं होज वेल्स हैं, सेंटर पिवट्स हैं, सब किस्म के हैं और जितनी भी किस्म की आपकी क्रॉप्स हैं सब के लिए फिजिबल हैं हमारे पास। अच्छा, इन शॉर्ट हम लोग इरीगेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सही, सो आप हमारे प्लेटफॉर्म से अपने किसान भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि जो पानी ओवरऑल दुनिया में कम हो रहा है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आप देखें पहले 20 फुट पर पानी आता था, अब आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो 100+ में चला गया है। वो क्यों गया है कि हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट भी इतना कर लिया है कि ग्राउंड वाटर टेबल हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो आप एडवांस टेक्निक लगाएं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, फ्लड इरीगेशन से अवॉइड करें। फ्लड इरीगेशन में आप पानी ज़ाया कर रहे हैं और फसल को और फायदा भी हो रही है। आप टू द पॉइंट, ये जो आपका अली ग्रुप है इसका क्या एम है, ये क्या लेके आ रहे हैं नया मार्केट के अंदर जो पहले से मुनफरद हो और पहले से नया हो? कोई भी इरीगेशन की एडवांस टेक्निक्स हैं ना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, एक सिंपल सिस्टम से लेके ऑटोमेशन तक सारा हमारे पास अवेलेबल है। ऑटोमेशन तक है मतलब विदाउट एनी मैन पावर, आप सिंगल क्लिक बटन से अपने मोबाइल फोन से आप अपने एरिया में कहीं पे भी पानी ले। जी आज हम यहाँ पे आए हुए हैं फेस्टिवल पे, तो इधर फेस्टिवल पे हमारे पास मुख्तलिफ लोग आए हैं, तो आज इनके एक्सपीरियंस को हम डिस्कस कराएंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हम बेसिकली एक हमारा साइकिलिंग ग्रुप है लाहौर में जिसका नाम है साइकिलिंग एंड एडवेंचर क्लब पाकिस्तान, तो हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं और वैसे, तो हमें पता चला कि ओलिव फेस्टिवल यहाँ लगा हुआ है, तो हमने कहा चलिए फेस्टिवल भी देख लेंगे और थोड़ी सी साइकिलिंग भी हो जाए। तो पहले तो मैं ये बताऊँ कि साइकिलिंग ट्रैक बहुत ही अच्छा था, यानी लाहौर में और आसपास रश इतना बढ़ चुका है कि हम साइकिलिंग सही तरह से कर रहे हैं, क्राउडेड बहुत ज़्यादा, तो हमें यहाँ फैमिलीज़ के साथ आए और हमने बड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद ये ओलिव फेस्टिवल भी यूनिक है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों ने पौधे भी ख़रीदे यहाँ से, पौधे भी बड़े ओलिव्स के भी और दूसरे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्मों के हैं। जो ओलिव की बेशुमार किस्में, ओलिव का अचार मैंने पहली बार खाया और मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, ये वेरी नाइस, वेरी नाइस, और बड़े अच्छे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ, लोकल सारे बागात के ही हैं और वो हमने बागात जाके देखे सारे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी हमारे साथ मौजूद हैं मैम सबूही अली, ये प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद से सेवियर प्रोजेक्ट की, आइए इनसे डिस्कस करते हैं क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका। जी मैम, जी वालेकुम अस्सलाम।
कैसा है सब कुछ, ये ऑलिव फेस्टिवल हो रहा है, कैसा फील कर रही है, और ये सेवियर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करें। ओके, सेवियर हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो कि खवातीन के लिए, हम लोगों का एक व्हाट्सएप का ग्रुप है और इसमें हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट है बहुत ज़्यादा। हमारे साथ दो भाई हैं, अज़रकनैन भाई और हैदर भाई, उनके बाकी हम सब जो हैं फीमेल हैं, पूरे पाकिस्तान से उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और उसमें ख़वातीन घर में सब्जियां और पौधे लगाना, एक दूसरे से एक्सचेंज करना वो सीखती हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी सीखती हैं। और उसी को सीखते हुए, यही पैशन लेते हुए, जैसे मैंने अपना थोड़ा सा पॉट्स का भी काम शुरू किया मैं घर में, जैसे मैं पेबल्स एंड पेटल मेरा अपना पेज है उस पर, ना सिर्फ ये कि मैं गार्डनिंग को प्रमोट करती हूँ बल्कि ऑर्गेनिक चीज़ें, इनके इस पर जितने भी पेंट्स हैं ये वाटर बेस्ड हैं, ये कोई भी एनवायरमेंट केमिकल बेस्ड नहीं है, एनवायरमेंट हैज़र्ड नहीं है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो हाउ वाज योर ऑलिव फेस्टिवल एक्सपीरियंस? ऑलिव फेस्टिवल इट्स वंडरफुल बिकॉज यू नो इट्स द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, आई एम जस्ट हेयर टू लुक अराउंड दैट ऑलिव्स, ऑल काइंड ऑफ ऑलिव्स एंड देयर स्वीट्स एंड देयर पिकल्स एंड देयर ऑल सॉसेस। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेवियर प्रोजेक्ट के, और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा जो भी आज फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है इसके ऑर्गेनाइज़र और उसके प्रेजिडेंट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर जी, बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपका कि आज इस मौके पे आप आए, और मैं इस तवस्सुत से जो आपका ये चैनल है, मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चकवाल है उसको गवर्नमेंट लेवल पे ओलिव वैली डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसमें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हमारा बारानी का, उसकी बहुत ज़्यादा काशें हैं, और अभी जो फार्मर है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार आ रही है। और ये जो जैतून है, ओलिव, ये बहुत हिकमत वाला दरख्त है, इसका कुरान मजीद में कई दफ़ा जिक्र आया है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो इन्वेस्टर है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसमें आएँ, और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो इसमें आएँ, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि पहले कभी भी ये नहीं सुना था कि ओलिव ऑयल हमारे पाकिस्तान में हो सकता है या चकवाल में हो सकता है, और ये जो हमारा रीजन है इस रीजन में बहुत ज़बरदस्त पैदावार हो रही है। और हमारा जो इनिशिएटिव है कि हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, और यहाँ पे जितने मेम्बरान आए हुए हैं, मुख्तलिफ इदारों के हेड हैं अपने, और कोशिश हमारी ये होती है कि लोगों को, उनकी फैमिली को नेचर के साथ अटैच करें, और उनको हेल्दी जो है ना खुराक मुहैया की जाए, और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि लोगों में अवेयरनेस हो। जैसे ये हमने एक प्रोग्राम रखा, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम एग्री टूरिज़म के साथ मिलके, और मुख्तलिफ जो हमारे साथ दोस्त हैं हम सारे इकट्ठे मुख्तलिफ जगह पे इवेंट करते हैं, और ये जो चकवाल में 5 इवेंट हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिनका मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, उसमें मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि हमारे सेवियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि गोल्डन लोकार्ट फेस्टिवल हम करवा रहे हैं चकवाल में, पीनट का करवा रहे हैं, मूँगफली का, फिक का करवा रहे हैं, अंजीर का, ओलिव जैतून का करवा रहे हैं, और ग्रेप्स का करवा रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि चकवाल एक फ्रूट वैली के लिए बहुत जो है ना वो आएगा, क्योंकि हमारे पास पीच, आलू बुखारा, ये ओलिव, इस तरह के जितने भी फ्रूट हैं जो यहाँ पे पहले कभी सोच ही नहीं सकते थे, बहुत अच्छी पैदावार दे रहे हैं। जी सर, मुझे अब मेरी ज़मीन के प्लेटफॉर्म से हमारे किसान भाइयों के लिए कोई एक पैगाम? किसान भाइयों के लिए यही पैगाम है कि वो अच्छी जो नई क्रॉप्स हैं उस पर आएँ, जो वेजिटेबल्स हैं, जो नए प्लांट्स हैं उन पर आएँ, जो रवायती एक सिलसिला चल रहा है उससे थोड़ा हट के साइंटिफिक अंदाज से, क्योंकि हमारे आप जो चीज़ें आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो फार्मर हैं वो इस हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो उनकी औलाद है, जो उनके बच्चे हैं, वो माशाल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, आला तालीम याफ्ता हो गए हैं, और उनमें अवेयरनेस है, तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चे इसमें आएँ। हमारी माशाल्लाह एरड यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बारानी, पीर मेहर अली शाह, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पिशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट माशाल्लाह इस फील्ड में आ रहे हैं, और ये जो मौजूदा सूरत हाल इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितनी इसमें अचीवमेंट ली है। सर आपके टाइम को बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सेवियर प्रोग्राम के प्रेसिडेंट, और जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा फेस्टिवल जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कराने वाले साहब, बहुत शुक्रिया।
नाजरीन ग्रामी नेशनल ओलिव फेस्टिवल के हवाले से हमारी सीरीज जारी रहेगी और उसके एपिसोड हम वन बाय वन अपलोड करते रहेंगे ताकि हमारे किसान भाई हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।